नमस्कार, खबरों का सिलसिला जारी। ओम प्रकाश ने बताया कि मैं पिछले 40 वर्षों से रिक्शा चला रहा हूं। पहले महंगाई कम थी तो परिवार का गुजारा चल जाता था, पर अब महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि घर का गुजारा चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। बताया जा रहा है कि मेरी 3 बेटियां और 1 लड़का है, बेटियों की शादी कर दी गई है। ओम प्रकाश ने बताया BPL का कार्ड सरकार बेटी कन्या विवाह योगदान में बेटी को सिर्फ 11,000 रुपये ही मिले थे, जबकि सरकार ने 51,000 रुपये देने का दावा किया था। कहा टीपू से राशन मुफ्त में मिलता है, पर सिर्फ गेहूं ही मिलती है। आटा और नमक के पैसे देने पड़ते हैं। पहले तो टीपू से सरसों का तेल, दाल और चावल भी मिलते थे, पर सरकार ने ये सब देना बंद कर दिया है। ओम प्रकाश सैनी ने बताया कि मेरे जैसे और भी मजदूर भाई हैं जो मजबूर हैं, ना तो उनके पास कोई काम है और ना ही घर में राशन है। इस बढ़ती महंगाई में हम भूखे मर रहे हैं। ओम प्रकाश ने सरकार से हाथ जोड़कर गुजारिश की। 1.5 लाख ही होगा। आपकी 3 बेटियां, आपकी तीनों बेटियों की शादी हो चुकी है? हाँ, शादी कर दी। एक बेटी का झगड़ा चल रहा। अच्छा, ठीक है। दुआई जो है समय किया है, वो कुछ करता नहीं। अगर किसी जम बच्चा था लड़का, लड़की को मारा छत्ता पिटता था, पर वो को यहाँ बुला रखा है, सीटी छड़े में जगा देनी। ठीक है, मैडम ने भी फोन, मैडम ने तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? आप करी है, मैं 3 बार SP पर जाने के बाद। ठीक है, तो सरकार ने बेटियों के लिए बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध करा रखी है, शादी के खर्चे के लिए और भी बहुत। 11,000 रुपये मिले थे बस बेटी की शादी के, कन्यादान के। सिर्फ 11,000 रुपये? 11,000। लेकिन सरकार तो कह रही है हम 50 से 60,000 रुपये देते हैं कन्यादान के लिए। 11,000 रुपये मिले थे बस। सबूत है हमारे पास, बैंक की एंट्री है कंपनी से। ठीक है, भाई साहब का कहना है कि इनकी बच्चियों बेटियों की शादियों के लिए सिर्फ 11,000 मिले, जबकि सरकार BPL हमारा राशन कार्ड है। BPL राशन कार्ड है, ठीक है। घर वाली भी फैक्ट्री में जाती है, लड़का भी दिहाड़ी करता है, कभी लग जा कभी नहीं लगती। ठीक है, ठीक है, ठीक। घर वाली भी फैक्ट्री में, उसके भी 200 रुपये मिलते हैं वहाँ फैक्ट्री में। सरकार और प्रशासन से कोई आप कुछ कहना चाहते हैं मदद करने के लिए? आज जैसे और भी बहुत गरीब हैं जिनको, मेरे से भी ज़्यादा गरीब हैं बिल्कुल, जिनकी मतलब की बोनी भी नहीं होती है और काम भी नहीं मिलता है उनको, और वो ऐसे ही निराश होकर अपने घर पे वापस लौट जाते हैं। कुछ कहना चाहोगे एक लाइन? बस क्या कहें जी, काम का मंदा है, घर से तो कई ही आशा करके आते हैं भी कुछ कमा के ले जाएंगे। ठीक का तो अब देना कुदरत ने है। 100 रुपये की मजदूरी लगाए, जहाँ 150 की लगाए, अपने से तो कोशिश करते हैं अभी हमारी दिहाड़ी बढ़ जाए, लेकिन बनती नहीं बनती। जो पैसा कमाते हैं उसी का चिमनी रोज कमाते हैं, रोज दूध ले जा, सब्जी ले जा, चिमनी ले जा, चाह पत्ती, इतने पैसे मरना पड़ते नहीं भी इकट्ठा लेकर गिर देना। हमारे को कोई दुकानदार दे आधार मांग ली भी आदमी को, 10 रुपये का नकद ले जाओ, 10 रुपये का नकद दे देंगे, जहाँ 5 का ले। ठीक है सर, आपने क्या नाम बताया था अपना? ओमपाल सैनी जी। ओमपाल सैनी का कहना है कि इतनी बेरोजगारी, इतनी मजदूरी है, इनसे नीचे भी कुछ मजदूर ऐसे हैं जो बिना ही बोनी किए अपना घर वापस लौट जाते हैं और उनका परिवार का खर्चा चलना बहुत ही मुश्किल है। तो दुकानदार भी राशन उधार नहीं देता। इनका कहना है कि दुकानदार भी राशन नहीं उधार देता, ये हालात हो गए हैं। अभी कोटे में तो थोड़ा सामान मिलता था, पहले तेल भी मिलता था, चीनी भी मिलती थी, आटा भी मिला था, वो भी किसी महीने मिल जाता है, किसी महीने नहीं मिलता, और सिर्फ आटा